तो ये 28 में स्टॉप हो गया, 28 रखा है क्योंकि ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क है ना वैल्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवियर राइडर्स, आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग लेके आए हैं येट अनदर ब्लॉग अबाउट दिस बॉश इजी पम्प। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसी कॉम्पैक्ट पम्प चाहिए क्यों? सो क्या होता है कि जब हम लोग लॉन्ग राइड करते हैं, स्पेशली 500 600 किलोमीटर्स और मोर देन दैट, स्पेशली इन बाइक, सो क्या होता है कि जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, या तो फिर पेट्रोल पंप के वो एयर फिल मशीन ख़राब रहती है, या तो फिर कोई रहता नहीं है एयर फिल करने को। सो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन ये बहुत यूज़फुल रहता है कैरी करने को, एंड उस सिचुएशन में अगर हमें एयर फिल करना हो अपने टायर्स में, सो वो हम कर सकते हैं। सो चलिए इस पर इससे बात करते हैं। इस सो व्हाई आई हैव चूजन बॉश इजी पंप ओवर, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं जैसे जियोमी या पेट्रोनिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप लोगों को पता है बॉश इज़ वेरी यू नो प्रीमियम ब्रांड इन मैकेनिकल सेलिंग मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स। सो एक तो है इसकी प्रीमियमनेस, दूसरा है कि जो मैंने रिव्यू पढ़े हैं जैसे जियोमी या पेट्रोनिक्स के, उनके क्या होते हैं कि आफ्टर कुछ ड्यूरेशंस वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं, या तो फिर उनके जो बैटरी है बैटरी ख़राब हो जाती है। सो ड्यूरिंग दो सिचुएशंस, सो कंपेयर टू दैट ये बॉश इज़ वेरी रिलायबल, इट्स वेरी ड्यूरेबल, और इसका एक्चुअली क्या है 6 मंथ्स वारंटी है। सो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर, क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, सो हम लोग बाइक में टेस्ट करेंगे, और मेरे पास बाइसाइकिल भी है उसमें भी टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसा काम करता है। सो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हम अनबॉक्स कर रहे हैं अभी। तो ये ऐसा दिखता है, इसका ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, इट्स वेरी प्रीमियम। और इसके एक अच्छी चीज़ है कि इसके यहाँ पे एक ग्रिप है जिसको आप पकड़ सकते हो, और इसके आप पाइप देखिए, इट्स वेरी प्रीमियम। और नॉर्मली क्या होता है दूसरे ब्रांड में, ये जो नोज़ल है ये या तो प्लास्टिक के रहते हैं या इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि इसके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको फुटबॉल में एयर फिल करना है, या तो फिर बाइसाइकिल में एयर फिल करना है, तो इसका क्या है यहाँ से इसको जस्ट ऐसे ओपन करना है, और यहीं पे सारे नोजल्स हैं, ये देखिए सारे नोजल्स यहीं पे। सो आपको कहीं पे इसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, सो आप यहीं पे ऐसे रख दीजिए और फिर इसको बंद कीजिए। सो ये आपकी कहीं पे खोने की चांसेस नहीं रहेगी, या कि कहीं पे आप रख दिए भूल गए, सो वो भी टेंशन नहीं है। सो इसकी फिनिशिंग देखिए कितना प्रीमियम है। और ये है इसका पावर बटन, तो इसको ऐसे ऑन करने से ऑन हो जाता है, और फिर यहाँ पे दो चीज़ें, एक है स्टार्ट स्टॉप, इसमें पहले हमें फिक्स करना होगा कितना प्रेशर देना है, एंड देन स्टार्ट करेंगे और फिर ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। अभी तो इसका 2 बार दिख रहा है बैटरी का, बट जब चार्ज करेंगे फिर पूरा हो जाएगा। एंड देन इसमें ये एक बटन है, सो इससे यहाँ पे एक टॉर्च भी है, टॉर्च लाइट, जो कि आप जैसे नाइट में कभी भी आपको एयर फिल करना हो, सो ये टॉर्च ऑन करके भी आप कर सकते हो। इसको लॉन्ग प्रेस करने से ये टॉर्च ऑन हो जाता है, ये देखिए ये अच्छा है, इसको ऑन ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे एक और है यूनिट, सो यूनिट मतलब है यहाँ पे आप प्रेशर का यूनिट आप चेंज कर सकते हो, जैसे PSI, KPA या फिर बार किस में चाहिए आप। सो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये दोनों हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन, जैसे आपको इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो प्रेशर, सो वो भी आप सेट कर सकते हो। सो ये है ऐसा पंप। और इसमें एक और चीज़ है, ये एक बैग दिया है जो कि है ईजी टू कैरी, और इसमें बॉश का लोगो भी है, सो ऐसा है, इसमें आप बॉश का ये आप इजी ऐसे इसमें रख के आप कैरी कर सकते हो, है ना। और दूसरा है इसमें ये USB केबल है, सो इस USB केबल के साथ कोई भी आप एडाप्टर में इसको लगा के चार्ज कर सकते हो।
और इसमें कुछ ऐसे ये मैनुअल बुक्स दिए हैं। सो इसमें ऐसे ये देखिए, ये चार नोजल दिया हुआ है, इसमें एक है कार के लिए, एक है बाइक के लिए, एक है फुटबॉल के लिए, और एक है कुछ ऐसे बच्चों के खिलौने रहता है ना जो एयर फिल कर सकते हैं उसके लिए। और फिर यहाँ पे ये सारे इसके स्पेसिफिकेशन कैसे क्या, स्पेसिफिकेशन मीन्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो क्या क्या है इसमें, बटन यूनिट देन यहाँ पे ऑटो स्टॉप ऑटो स्टार्ट और फिर ये मैनुअल्स। और दूसरा है यहाँ पे ये यू नो हर एक यू नो प्रोडक्ट्स में देते हैं ऐसे मैनुअल बुक्स, तो उसमें आई मीन पढ़ सकते हो बट ठीक है, हम लोगों को पता ही है। सो चलिए अभी इसका नीचे टेस्ट करते हैं इसका बाइक में कैसे एयर फिल होता है और कितना यूज़फुल है। सो ये हमने अभी यहाँ पे प्रीसेट कर लिया है 32 पे। सो देखते हैं अभी इसका कितना है, इसको लगा देते हैं। ये बता रहा है 20 पे है, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ये 28 में स्टॉप हो गया, 28 रखा है क्योंकि ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क है ना पहली बार। सो अभी साइकिल में डाले हैं 28, क्योंकि इस वाले साइकिल में एकदम भी पम्प नहीं था। सो 28 प्रीसेट किया है, देखते हैं हो तो रहा है अच्छे से। अभी 17 हो गया, तो आई थिंक जल्दी हो जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, जैसे ये मैंने हैंडल में ग्रिप, ये जो हैंडल ग्रिप में, सो बंद हो गया, अभी प्रेशर बिल्कुल नहीं है। सो इसमें अभी है 30 प्रीसेट किया है और अभी इसमें है 25। सो अभी एट ए टाइम ये फ्रंट टायर भी कर लिया है, अभी बैक टायर भी कर रहे हैं, वो भी 2 बार में। सो अभी तक इसका अभी तक उतना हीटिंग इशू नहीं हुआ है, ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ है और बहुत जल्दी हो रहा है, विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे इसमें है 25 बता रहा है, तो 25 to 30 में जल्दी हो जाएगा आई थिंक। सो 29 हो गया है और जस्ट 30 होने ही वाला है। सो मिशन सक्सेसफुल, 30 हो गया विद इन दैट ऑल्सो वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब विद इन ए मिनट हो गया। जी हाँ दोस्तों, सो आप लोगों ने देख लिया इसका डेमो। सो पूरे मेरे बाइक के फ्रंट टायर एंड बैक टायर दोनों में एयर फिल करने के बाद भी अभी एक और बार अभी बचा हुआ है, दैट मीन्स हम लोग और कर सकते हैं इसमें। सो ये बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल हीटिंग नहीं है अभी भी और ईजी टू हैंडल है। सो दैट्स इट। सो आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तब तक अलविदा।